होशंगाबाद जिले के पीपरिया में कृषक सेवा सहकारी समिति संचालकों ने किसानों की समर्थन मूल्य धान खरीदी के संबंध में बनखेड़ी पीपरिया के कुछ समितियों ने शुक्रवार को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आशीष बाथम को समस्याओं से अवगत कराया। कृषक सेवा सहकारी समिति संचालकों ने बताया कि टोकन कटने के बाद धान खरीदी की, लेकिन 15 जनवरी को पोर्टल बंद होने के कारण धान की फीडिंग दर्ज नहीं हो पाई है। किसानों को भुगतान कैसे मिलेगा? आज भी धान खुले में पड़ी है जो खराब हो रही है। पीपरिया गाड़ा घाट सहकारी समिति प्रबंधक नारायण पटेल ने बताया है कि लगभग 75 किसानों की धान खुले प्रांगण में रखी है, पोर्टल पर नहीं चढ़ी गई है। बनखेड़ी ब्लॉक में भी कुछ सहकारी समितियों के प्रबंधक ने धान की खरीदी कर ली है, लेकिन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकी है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आशीष बाथम ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। साइट तो खुल चुकी है, रजिस्ट्रेशन भी कहीं कहीं हो रहा है, मगर सर्वर डाउन होने के कारण वो स्पीड नहीं मिल पा रही जो मिलना चाहिए। वो धान के विषय में ये कहना है कि पोर्टल खुला हुआ था, एक दिन के लिए खुला था और समिति प्रबंधकों द्वारा उस पोर्टल पर खरीदी की गई है, मगर वो पर्याप्त समय न मिलने के कारण वो खरीद नहीं हो पाई है। इसके लिए पुनः प्रतिवेदन भेज रहे हैं कलेक्टर महोदय को कि इसमें कुछ अग्रिम कार्रवाई करें। खुल जाएगी, खुलने की पूरी संभावना है। होशंगाबाद से EMS TV के लिए कमलेश गौर की रिपोर्ट।